फ्रेंड्स, मैंने अपने केक को डिमोल्ड कर दिया है। 25-30 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। हम इसको चाकू से देख लेंगे, अगर चाकू प्लेन निकलता है, उसमें कुछ लगा नहीं है, तो समझ लिया आपका केक हो गया है। और 25-30 मिनट के बाद हमारा केक एस शेप में निकल आएगा। हमने इसको डिमोल्ड कर दिया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने लिए 1 कप क्रीम और 1 कप पिसी शक्कर। अब हम इन दोनों को फेंट लेंगे। ये हमारी क्रीम है और हम शक्कर को थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एकदम से ज्यादा नहीं डालेंगे। और अब हम इसको फिट चुकी है। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट इसका हो गया है। अब हम इसको इस पर सजाएंगे। इसको हम पूरे में फैला लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरे में क्रीम लगा दी है। अब मैंने ये कोन घर में बनाया है और इसमें मैंने जैम कर लिया फेंट के। अब इससे हम इसको हम नीचे से काट लेंगे। नीचे से काटने के बाद अब हम इसको पतली पतली डिजाइन दे देंगे। हमने चॉकलेट दे रखी है और हम इसको चॉकलेट से इसके ऊपर हम ये देखिए, आप चाहें तो जैम भी लगा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, चॉकलेट का फ्लेवर सबको बहुत अच्छा लगता है, तो चॉकलेट हम पूरे में ऐसे स्क्रम्बल करके लगा देंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको कोई भी क्वेरी हो रेसिपी के रिगार्डिंग तो मुझे आप लिखिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्पॉन्ज केक बन गया। आप इस हमारे मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।